देख सकते हैं कैसे हाथापाई का माहौल है। पुलिस और विधायकों के बीच धक्का मुक्की हो रही है। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। बता दें सपा कार्यालय से धरने पर बैठे हैं विधायक। विधायकों को रोकने के लिए पुलिस ने घेराबंदी की है। अब अपनी तस्वीरों पर देख सकते हैं धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने आम आदमी के मुद्दों पर धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। वो आज विधानसभा स्थित पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास 11 बजे प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इससे पहले ही सपा विधायकों को नजरबंद कर दिया गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के घर और कार्यालय के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे धक्का मुक्की का माहौल बन गया है। विधायकों को रोकने की पुलिस कोशिश करते नजर आ रहे हैं। बता दें पुलिस बल तैनात किया गया है। सपा कार्यालय की तरफ आने वाले दोनों रास्तों को भी बंद कर दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं चौकस घेराबंदी की गई है। नारे लगाए जा रहे हैं, हाथों में पोस्टर लेके दवाई इलाज और तमाम मुद्दों के पोस्टर लेके नारे लगाए जा रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से विधायकों को रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि जमीन पर बैठकर नारे लगाए जा रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन पूरी मशक्कत कर रही है रोकने की। विधायकों द्वारा लगातार नारे लगाए जा रहे हैं। हाथों में पोस्टर है जिसमें तमाम मुद्दे लिखे हुए हैं, महंगाई, बेरोजगारी। बता दें बारिश हो रही है लगातार। बारिश के बावजूद भी विधायक धरने पर बैठे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जमीन पर बैठे विधायक नारे लगा रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसके बाद विधायकों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं विधायक और पुलिस प्रशासन के बीच धक्का मुक्की का माहौल है। आप देख सकते हैं कि विधायकों को पुलिस द्वारा वैन में ले जाया जा रहा है। प्रशासन द्वारा विधायकों को पूरी तरीके से रोकने की कोशिश की जा रही है। वहीं विधायक अड़े हुए हैं, धरना लगातार दे रहे हैं। बता दें सपा कार्यालय से धरने के लिए विधायक निकले हैं। लगातार आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन लगातार विधायक को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बता दें सपा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया है कि लोकतंत्र की हत्या करना बंद करे सरकार।
बता दें कि आज विधानसभा में जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए धरना देने जा रहे थे सपा विधायक। पुलिस ने पहले घरों में नहीं निकलने दिया, अब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के बंधुओं को सपा विधायकों से बात करने नहीं दी जा रही है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मशक्कत कर रही है विधायकों को रोकने। वहीं विधायक लगातार हाथों में पोस्टर लेकर नारे लगा रहे हैं जिसमें तमाम मुद्दे शामिल, मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। बता दें विधानसभा के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे विधायक, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए सभी विधायकों को वैन में आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, विधायक लगातार नारे लगा रहे हैं। सपा विधायकों ने लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया है, लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। बता दें प्रदर्शन से पहले ही घेराबंदी कर दी गई है। पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है रोकने की। बता दें इससे पहले विधायकों को हाउस अरेस्ट किया गया था। लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बता दें बड़ी संख्या में धरने पर बैठे हैं विधायक। बता दें कि बड़ी संख्या में विधायक धरने पर बैठे थे, जिसके बाद प्रशासन ने एक्शन लेते हुए सभी विधायकों को वैन में भर कर भेज दिया है। प्रदर्शन को लेकर आगे की रूपरेखा क्या होगी, अब ये देखने वाली बात होगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं, बैरिकेटिंग की गई है, ये आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। भारी बैरिकेटिंग के साथ भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है, लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। बता दें विधान भवन के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे विधायक, सपा विधायकों ने लोकतंत्र का हत्या की गई है इसका आरोप लगाया है। बता दें भारी संख्या में धरने पर बैठे थे विधायक। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे संवाददाता सागर थापा का। सागर थापा, भारी
पुलिस बल तैनात की गई है, क्या कुछ जानकारी है? और यहाँ पर अभी सैकड़ों की तादाद में उन्होंने गिरफ्तारी की थी और यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती तमाम लोग जोन के पुलिस बल यहाँ पर तैनात किए गए हैं और मीडिया का भी काफी भारी हुजूम आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जोरदार ही विरोध प्रदर्शन किया गया समाजवादी पार्टी के द्वारा और भारी पुलिस बल पर तैनात किया गया है। तो मीडिया के द्वारा ये किया क्योंकि अभी सुबह की बात रात की बात करूँ तो जो समाजवादी पार्टी के दो विधायक लखनऊ में रविदास पंडित और अरमान खान उनको हाउस अरेस्ट किया गया है और मीडिया को भी दिल्ली के अनुमति मिल गई है। कुल मिला के देखा जाए तो पुलिस ने विरोध विरोध प्रदर्शन जो कर रहे थे कार्यकर्ता जो बड़े बड़े नेता थे समाजवादी पार्टी को अरेस्ट करके इनको कार्यकर्ता स्थल भेज दिया गया है। और देखने वाली बात यह है कि विधानसभा के जो अंदर सपा विधायक की जो एंट्री है उस पर साफ साफ रोक लगा दी गई है और पुलिस ने उनको पहले चेक करने का निर्णय लिया गया है क्योंकि आज सबसे बड़ी बात समाजवादी पार्टी का ऐलान था कि चौधरी करण सिंह की जो मूर्ति है उसके बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे 11 बजे से 2 बजे तक और ये विरोध प्रदर्शन आपको बता दें कि 18 तारीख तक चलने वाला एक बड़े बड़े नेता है समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनका लगातार पुलिस गुजारिश और अभी तक उनको गिरफ्तार अभी फिलहाल किया गया तो उसमें आगे की लॉ एंड ऑर्डर पुलिस हो गया थी आई थी और और कुल मिला के देखा जाए तो पुलिस बल के द्वारा पूरे मामले को जांच कराया है और अब तक बता दें कि पूरी तरह से जो कार्यकर्ता है उनको गिरफ्तार करके उनको राजन घटनास्थल भेज दिया गया है। अब ये बता दें कि अब फिलहाल माहौल पूरी तरह से शांत है और पुलिस और कानून व्यवस्था की पूरी तरह से अब बेहतर। सागर ये प्रदर्शन 11 बजे होना था, अभी 12 बज चुका है, तो अभी कैसा माहौल है? कौन से विधायक पहुंच चुके हैं या कौन से एमएलसी पहुंचे हुए हैं? अभी नई तस्वीरें क्या सामने हैं? मैंने पान फैलाई ली थी इसी बाबा पढ़ा और कार्यकर्ताओं ने आपके यहाँ पे सारी की है और जो प्रदर्शन दर्ज किया करवाया है और बात बता दूँ कि जो एक विधायक है लखनऊ मध्य से रविदास मल्होत्रा उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है जिसमें किया जा रहा है और दूसरी बात है लखनऊ पश्चिम से विधायक अरमान खान उन्हें हिंदू दुर्ग का हाउस अरेस्ट किया गया है। फिलहाल अब इस समान करने पर यहाँ पर पुलिस पर पूरी तरह से तैनात कर दिया गया है। पुलिस पर पूरी पूरी समाज को सागर वहां बैरिकेटिंग की गई है, आपके पीछे भारी सुरक्षा बल नजर आ रहा है, आप हमारे दर्शकों को ताजा तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें कि वहां का माहौल कैसा है। आप यहां पर सुरक्षा बल की तरफ से तैनात है, बैरिकेटिंग की गई है, महिला पुलिस महिला आरक्षी की है और तमाम जो सिपाही है सुरक्षा है तमाम संपर्क टूट गया है सागर से हमारा, फिर से हम इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है, विधायकों को रोकने की पुलिस ने रोकने के लिए घेराबंदी की है, आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। बैरिकेटिंग की गई है, साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। सागर थापा जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सागर आप हमारे दर्शकों को तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें कि वहां माहौल कैसा है। महिला पुलिस आरक्षी है तमाम आज
और ये प्रदर्शन तकरीबन आपको बता दूं कि 18 तारीख को होगा यहाँ पर बड़े स्टार्ट यहाँ पर और बहुत बड़ा और इलाहाबाद से सही तमाम विधायक जो है वो जी धन्यवाद सागर तमाम जानकारियों के लिए। लगातार हम आपको पल पल की खबर दिखा रहे हैं, लगातार आप देख सकते हैं, लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कैसे पुलिस बल तैनात है, सुरक्षा बढ़ाई गई है, बैरिकेटिंग की गई है, लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कैसे घसीटते हुए कार्यकर्ताओं को ले जाया जा रहा है। प्रशासन पूरी तरह से कोशिश कर रही है विधायकों को रोकने की, आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। वहीं सपा विधायकों ने लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया है। सपा के कार्यालय से धरने की तस्वीर लगातार आप देख सकते हैं, हाथों में पोस्टर लेकर धरना किया जा रहा है। वहीं भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किया गया है। वहीं कई विधायक हिरासत में ले लिए गए हैं। लगातार हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, बड़ी संख्या में धरने पर बैठे थे विधायक। पुलिस और विधायकों के बीच धक्का मुक्की हुई, वहीं जिसके बाद वैन में कई विधायकों को भेज दिया गया। बता दें कई विधायक हिरासत में लिए गए जिसमें ताहिर खान समेत कई लोग शामिल हैं। पुलिस ने जाहिद बेगम को भी हिरासत में लिया। विधायक हाथ में पोस्टर बैनर लिए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने जबरन मनोज पांडे को भी हिरासत में लिया। अखिलेश के बता दें अखिलेश के घर पर भी भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। सपा मुख्यालय छावनी में तब्दील हो गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विभांशु हमसे जुड़ेंगे। विभांशु, सपा विधायकों के घर घेराबंदी की गई है, विधान भवन पर घेराबंदी की गई है, क्या इसको लेकर जानकारी है आपके पास? जी मयूरी, आपको बता दें कि देश में बढ़ते महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आज समाजवादी पार्टी का प्रदेशव्यापी प्रदर्शन था, जिसको लेकर आज जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे साथ ही साथ पदाधिकारी थे वो आज विधानसभा के ठीक सामने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के ठीक सामने प्रदर्शन करना चाहते थे और इसकी वो पूरी तरह से तैयारियां कर चुके थे, मगर ठीक पहले ही जो तमाम नेता हैं उनके घरों के बाहर पुलिस से उन्हें हाउस अरेस्ट कर ली है। बात की जाए तो लखनऊ मध्य से विधायक रविदास मल्होत्रा के घर के बाहर पुलिस ने पूरी बैरिकेटिंग और पूरी बंदोबस्त करके अब उन्हें घर में रोका है। साथ ही साथ
आपको बताए लखनऊ इस बार विधानसभा चुनाव में अरमान खान का नाम काफी चर्चा में रहा, तो उनके घर के बाहर पुलिस आती है। वहीं उसके ठीक बाद जब दूर दराज के विधायक समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंचने लगे और इस प्रदर्शन को आगे रूपरेखा तैयार करने लगे, उससे ठीक पहले ही समाजवादी पार्टी के बाहर जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं वो अस्थायी रूप से पुलिस छावनी बनाकर वहां बैठे हुए, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है सपा के, कि सरकार अपनी जो गलत नीतियों के चलते उनका प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो संवैधानिक मूल्य जो है जो प्रदर्शन का अधिकार है, राइट टू प्रोटेस्ट है, उसके तहत कहीं ना कहीं गलत किया जा रहा है, ऐसा समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उनका आरोप है। और साफ तौर से अगर देखा जाए तो ये तमाम जो एमएलए हैं, पदाधिकारी हैं, वो विधानसभा के ठीक सामने स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर जाके वहां माल्यार्पण करके और हाथ में वो ये चाहते थे कि जो तमाम देश के मुद्दे हैं, जो प्रदेश के मुद्दे हैं, उस पर समाजवादी पार्टी अपना विचार रखे। जी मयूरी, शिवांशु, इसमें क्या वजह थी प्रदर्शन को रोकने की, सरकार को कहां खतरा नजर आ रहा था? जी, अभी जहां तक सामने आ पाया है और जब सुबह विलास मल्होत्रा के घर के बाहर मीडिया के तमाम लोग गए तो साफ तौर से वहां एक तैनात पुलिसकर्मी का कहना था कि हमें ऊपर के अधिकारियों की तरफ से आदेश दिया गया है कि मीडिया को भी एंट्री ना दे। और वहीं अगर बात की जाए तो साफ तौर से प्रदर्शन का उनका महंगाई, बेरोजगारी और इन तमाम मुद्दे प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो जो रोकने वाली बात है वो अब तक साफ नहीं हो पाया है और प्रशासन की तरफ इस पे स्पष्टीकरण नहीं आया है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि जहां एक तरफ जो तमाम नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं सरकार पे कि सरकार जो राइट टू प्रोटेस्ट है उसके तहत जो प्रदर्शन करने का अधिकार है उसके तहत हमें प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस पे रुख रहता है जो तमाम समाजवादी पार्टी के बड़े जिम्मेदार हैं, साथ ही साथ जो पुलिस के आला कमान के अधिकारी हैं, उनका क्या कहना है कि आखिर प्रदर्शन को क्यों नहीं करने दिया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो बीते कई महीनों से लखनऊ के अंदर में धारा 144 लगी थी मगर वो हट चुकी है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब आने वाले जो मानसून सत्र है जो 19 सितंबर से शुरू हो रहा है तो उसमें एक अहम मुद्दा ये भी रहेगा कि प्रदर्शन पे रोकथाम क्यों किया जा रहा है। जी जी विवांशु, प्रदर्शन किया जाना था उससे पहले प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई कर दी गई, तो आगे की प्रदर्शन की रूपरेखा क्या रहेगी? जी, अब अगर देखें तो साफ तौर से जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और समाजवादी पार्टी का दफ्तर है वहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई है, तो अब तक मिली जानकारी के अनुसार धीरे धीरे जो विधायक गण है वो पहुंच रहे हैं और देखने वाली बात ये होगी कि जो अन्य जगहों से विधायक वहां पहुंच रहे हैं और समाजवादी पार्टी की अगर बात की जाए तो 403 विधानसभा सीटों में से 111 सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी, तो माना यह जा रहा था कि दर्जनों के संख्या में विधायक आज प्रदर्शन में पहुंचेंगे। अब धीरे धीरे सिलसिला जारी है, अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या पुलिस प्रशासन की बैरिकेटिंग को तोड़कर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन करते हैं या पुलिस पूरे बंदोबस्त के साथ जो मौजूद है जैसा कि प्रतीत हो रहा है, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या वो प्रदर्शन कर पाते हैं या नहीं और क्या इसकी इस लड़ाई को लड़ने के लिए जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव क्या वो भी मैदान में आते हैं या इसको स्थगित किया जाता है। जी मयूरी, धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए। अखिलेश के घर पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है, सपा मुख्यालय छावनी में तब्दील है। बता दें इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सागर मौजूद हैं। सागर, वहां कैसी गतिविधियां हैं इस टाइम, क्या कुछ नई तस्वीरें हैं? देखिए मयूर, यहाँ पर सुबह से ही पुलिस की बैरिकेडिंग लगा दी गई है और यहाँ पर काफी सख्त पहरा है और इस पूरे इलाके को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। क्योंकि सुबह की बात करो तो लगभग तकरीबन सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन होना था और ये विरोध प्रदर्शन जो है लगभग 18 तारीख तक चलेगा। उसके बिहार पर यहाँ पर काफी गिरफ्तारियां भी हुई हैं कार्यकर्ताओं की और कार्यकर्ता गिरफ्तार करने के बाद उन्हें सभी कार्यकर्ताओं को इको गार्डन भेज दिया गया है और ये पूरी तरह से इलाका
एकदम छावनी में तब्दील कर दिया गया। ये मुख्य मार्ग है और मुख्य मार्ग को पूरी तरह से बैरिकेड लगाकर यहाँ पर आम आदमी की पूरी तरह से एंट्री को रोक लगा दी गई है। और देखा जाए तो यहाँ पर केवल एक पुलिस बल मिलेगा आपको और मीडिया का पूरा एक हुजूम मिलेगा। इसके अलावा पूरी तरह से अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव की आने की संभावना भी जताई जा रही है, लेकिन अभी तक ये फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। और उसके बिहाव पे दो विधायक उनको हाउस अरेस्ट भी कर लिया गया है और तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको भी अरेस्ट करके इको गार्डन धरनास्थल भेज दिया गया है। जी सागर, समाजवादी कार्यालय अखिलेश यादव पहुंच चुके थे, इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए फिलहाल अभी तक बात करूं तो यहाँ पर सुबह से ही कार्यकर्ताओं का एक बड़ा सा हुजूम उमड़ा था। यहाँ पर एक विधायक है उदयवीर सिंह, यहाँ वो भी मौजूद थे क्योंकि सपा मुखिया जो है अखिलेश यादव उनके काफी करीबी माने जाते हैं और काफी विभिन्न मुद्दों पर वो संख्या भी देते हैं, क्योंकि मिलान सिंह के साथ भी वो विधायक रह चुके हैं और तमाम जो बड़े बड़े नेता उनके साथ भी वो विधानसभा जा चुके हैं। इसके बावजूद भी वो आए थे, उसके बावजूद भी उनके साथ जो तमाम जो कार्यकर्ता थे उनकी गिरफ्तारियां हुई और यहाँ पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। और अभी भी अगर आपको बता दूं कि इलाका पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है, हर तरफ से बैरिकेडिंग लगा दी गई है और हर तरफ से रोक लगाई है। और अखिलेश यादव के फिलहाल यहाँ पर आने की कोई पुष्टि अभी तक फिलहाल हो नहीं पाई है, क्योंकि बहुत बड़ी बात मानी जा रही है क्योंकि अखिलेश यादव किसी भी टाइम यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रदर्शन है 11 बजे से लेकर सुबह दोपहर के 2 बजे तक चलना है और आज से लेकर ये प्रदर्शन जो है 18 तारीख तक चलेगा। समाजवादी पार्टी तमाम जगहों पर बेरोजगारी से लेकर जो तमाम मुद्दे हैं, सरकार के जो तमाम मुद्दे हैं, जो विरोध की नीतियां हैं उनको विरोध करेगी। और यहाँ पर जो है फिलहाल अभी तक स्थिति सामान्य बनी है क्योंकि पुलिस ने पूरी तरह से कानून व्यवस्था को एकदम सुचारू रूप से रखा है और फिलहाल अभी तक स्थिति सामान्य बनी हुई। जी सागर, किसके आदेश पर पहरा बंदी की गई है, क्या इसकी कोई जानकारी सामने निकल कर आई है? देखिए मयूरी, पहले बंदी की बात करूँ तो यहाँ पर एक बड़े अधिकारी हैं डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मौर्या, वो भी आए थे और डीसीपी जो मध्य है अपना राज कौशिक उनका भी यहाँ पर कुछ उनके भी उनके साथ भी काफी ले तमाम आए और यहाँ पर पीएससी को लेकर जो तमाम जो पुलिस बल है, तमाम जोनों की जो पुलिस है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करो तो ये मध्य जोन पड़ता है, ये मध्य जोन है। इसके अलावा भी जो आसपास के जो जोन है, उत्तरी जोन है, पश्चिमी जोन है, तमाम जगह तमाम थानों की पुलिस आई थी। यहाँ पर पुलिस से तरह से देखा जाए तो जो डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर है पीयूष मौर्या, उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टि से देखते हुए, लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टि से देखते हुए बैरिकेटिंग को लगाया और यहाँ पर कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की, क्योंकि कार्यकर्ताओं का एक साफ साफ ये मंशा थी कहना थी कि यहाँ से जो पूछ करके वो विधानसभा की ओर पूछ करेंगे, लेकिन इस तरह से पूरी तरह से अगर बैरिकेटिंग लगाने के बाद पूरी तरह से पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं की जो मंशा है उनको पूरी तरह से विफल कर दिया है। और अभी अगर अभी की बात करूँ मयूरी, तो यहाँ पर पूरी तरह से एकदम स्थिति सामान्य बनी पड़ी है क्योंकि यहाँ पर केवल पुलिस बल का पहरा है और पुलिस बल और सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो केवल पुलिस बल है, उसके अलावा आपको कोई भी अच्छा कोई कार्यकर्ता नहीं मिलेगा कि यहाँ पर जो भी शोरगुल या फिर कोई किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन करने की जरूरत में लगाओ। जी धन्यवाद सागर तमाम जानकारियों के लिए।